नमाज व दिनियात प्रोग्राम 2020 मदरसा मोहम्मदी के ज़ेर इंतज़ाम नमाज व दिनियात प्रोग्राम 2020 क्लास 7 की आज हमारी 11वीं क्लास है और हमारा आज की क्लास का मौजू है हज। इससे पहले कि हम आपके सामने आज के मौजू पे गुफ्तगू करें, हम अपने पिछले मौजू यानी कि रोज़े के हवाले से मुख्तसरन एक जायज़ा लेते हैं और रोज़े के मुसाफिर के रोज़े और नमाज के चंद मसाइल जो थे इसमें से रह गए थे, हम उसको दोबारा एक बार आपके सामने बयान करेंगे। पिछली क्लास में हमने रोज़े के मुतालिक पढ़ा था कि रोज़ा जो है परवरदिगार आलम ने हम पे क्यों फ़र्ज़ किया है। हमने बयान किया था कि रोज़े का जो बुनियादी मकसद है वो तक़वा इलाही इख्तियार करना है। अगर इंसान जो है वो तक़वा इलाही इख्तियार ना करे यानी गुनाहों को तर्क ना करे और वाजिबात इलाही को ना अपनाए तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके मुतालिक हमने आपके सामने हदीस भी बयान की थी। इसी तरीके से हमने आपके सामने बयान किया था कि रोज़े जो हैं वह माह मुबारक रमज़ान में इंसानों पर मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुए हैं और ये महीना जो है वो बहुत ख़ास महीना है क्योंकि इसमें रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं। इसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी है हमारे पास, इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे इमाम और पहले इमाम की शहादत है, शब क़दर है, नज़ूल क़ुरान है। तो ये महीना जो है वो बहुत अहमियत का महीना है, बहुत खुदा से जो है वो अपनी मग़फ़रत का महीना है, इसके साथ साथ खुदा से क़ुर्ब हासिल करने का महीना है, आइम्मा से तवस्सुल करने का महीना है, दुआ व मनाजात का महीना है, इबादत का महीना है। ये महीना बहुत बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें जो है वो एतकाफ़ भी है और इसी अहमियत के पेश नज़र जो है इस महीने के अहमियत के पेश नज़र इमाम खानी ने जो है वो यौमुल क़ुद्स भी जो है इसी महीने के आखिरी जुम्मा यानी के जुम्मतुल विदा को जो है यौमुल क़ुद्स करार दिया था। ये सब बातें हमने आपके सामने बयान की थी। फिर हमने आपके सामने जो है वो मुब्तलात रोज़ा की बात की थी कि ऐसी चीज़ें जिसके अमल अंजाम देने से रोज़ा बातिल हो जाता है वो जो है छः थी। खाना पीना, पूरे सर का पानी में डुबोना, रसूल खुदा अम्मा अलैहिस्सलाम की तरफ किसी झूठ की निस्बत देना, गाढ़े गुबार का हलक तक पहुंचना, फजर की नमाज तक हालत जनाबत में बाकी रहना या जानबूझ कर क़य करना, ये हमने आपके सामने बयान किया था। अगर फ़र्ज़ कर लें कोई खुदा न खास्ता रोज़ा तोड़ दे तो उसका कफ़ारा क्या है कि एक शख्स जो है वो गुला जिसने रोज़ा तोड़ा है वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, दो महीने के रोज़े रखे या 60 मिस्किनों को जो है वो खाना खिलाए। ये हमने आपके सामने कुछ रोज़े के मुतालिक बयान किया था। अब कल के जो टॉपिक में से जो चीज़ रह गई थी आज हम उसको थोड़ा सा बयान करते हैं, वो था मुसाफिर के रोज़े और नमाज के चंद मसाइल। मुसाफिर वो है जो किसी जायज़ काम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, नाजायज़ काम के लिए नहीं, जायज़ काम के लिए कम से कम जो है वो 22 किलोमीटर का जो फासला है वो सफ़र जो है वो अगर करता है और उसकी नीयत ये है कि वो 10 से कम दिन जिस मुकाम पर जा रहा है वहाँ रुकेगा, तो 10 से कम दिन है और कितना किलोमीटर है 22, और अगर आने जाने का लगाएं तो 44 किलोमीटर बनता है। तो ये अगर वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे कि उसके जो रोज़े हैं वो क्या हो गए, कसर हो जाएंगे और रोज़ा जो है वो नहीं रखेगा। इसी तरीके से अगर रोज़ेदार जो है ज़ोहर यानी कि ज़वाल आफ्ताब के बाद यानी ज़ोहर के बाद जो है वो निकलता है अपने सफ़र पे और सफ़र इतना ही है मतलब 44 किलोमीटर है आना जाना और जो है 10 दिन से कम है उसका रुकने का इरादा, तो क्या होगा कि अब उसका रोज़ा तो पूरा होगा लेकिन उसकी नमाज कसर होगी, यानी वो ज़ोहर से पहले जो है वो ज़ोहर के बाद सफ़र कर रहा है अपना, मतलब उसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी अब वो सफ़र पे निकल रहा है, तो अब वो उस दिन का रोज़ा पूरा करेगा और रोज़ा पूरा करेगा लेकिन नमाज जो है वो क्या होगी, कसर पड़ेगा। इसी तरह अगर ज़ोहर से पहले निकलता है तो ज़ोहर से पहले अगर निकलता है तो हद तरखस कहते हैं, यानी ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ से शहर की ना तो दीवारें नज़र आती हैं और ना अजान की आवाज़ आप तक पहुँच सके, तो वहाँ पहुँचने के बाद इंसान जो है अपना रोज़ा खोल सकता है, इफ्तार कर सकता है।
अगर मुसाफिर फ़र्ज़ करें ज़ोहर से पहले किसी दूसरे शहर से या किसी मुल्क से जो है वो अपने घर वापसी आता है, लेकिन ज़ोहर से पहले आ जाता है और उसने जो है वो फजर के बाद से कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो वो अपना रोज़ा पूरा करेगा। अगर सफ़र किसी गुनाह के लिए करें खुदा ना खास्ता, तो उसकी नमाज भी कसर नहीं होगी और उसका रोज़ा भी उसको पूरा रखना पड़ेगा। अगर मुसाफिर का मशगला सफ़र हो, मसलन वो उसको ड्राइवर है कोई, कोई पायलट वगैरह है, ठीक है, जैसे कोई टैक्सी चलाता है कोई शख्स वगैरह, तो उसके लिए रोज़े भी पूरे रखेगा और नमाज भी वो पूरी पढ़ेगा जिसका मशगला है। जिसका मशगला नौकरी या कारोबार सफ़र हो, मतलब उसको सफ़र करना पड़ता है, लेकिन वो किसी और काम से सफ़र करे, मतलब अपने काम के अलावा किसी और काम से सफ़र करे, तो नमाज जो है उसकी कसर पड़ेगा और रोज़ा भी नहीं रखेगा। इसी तरीके से नमाज कसर का मतलब है चार रकती नमाज, यानी चार रकत कौन कौन सी आती हैं आपकी, जहर असर और ईशा, ये चार रकती नमाज है, इसको जो है वो दो रकत पड़ेगा चार के बजाय, तो ये कहलाता है कसर नमाज। अगर मुसाफिर रोज़ा रखे या नमाज पूरी पढ़े तो उसकी नमाज भी बातिल है और रोज़ा भी, दोनों चीज़ें खुदा के नज़दीक जो काबिल कबूल नहीं है। आपने कसर करना है नमाज को, रोज़ा नहीं रखना। कसर नमाज की कसा भी क्या होती है, कसर ही होती है। अब हम आते हैं आज के अपने टॉपिक यानी के हज। वल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत मिनस्ततौअ इलैहि सबीला, यानी और अल्लाह के लिए लोगों में से जो भी इस राह में इस्तेआत रखता हो वो इस घर का हज वाजिब है। हज जो है वो बुनियादी तौर पे एक जामे और कामिलन जो है वो इबादत है, बहुत ख़ास इबादत है इस्लाम के अंदर। खुदा की बारगाह में आप एक एहसास करते हैं कि आप खुदा की बारगाह में मौजूद हैं, ये बड़ा अहम है हज के लिए जो है। इसमें भी जो है वो जैसे बारगाह में मतलब हाज़िरी कैसा, जैसे नमाज में आप अपने घर के अंदर फुरादा या जमात में जैसे भी नमाज आप पढ़ते हैं, जैसे आप खुदा के सामने हाज़िरी का आपके दिल में एहसास होता है, वही एहसास जो है आपके लिए हज में भी है। रोज़े में जैसे आप भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, इसी तरीके से हज के जो अराकीन को जब आप अंजाम देते हैं तो उसमें जो शिद्दत आप बर्दाश्त करते हैं वो उसी तरीक़े से एक शिद्दत है। अपन मवाजना आपको बता रहा हूँ कि जामे इबादत है जिसमें खुदा के सामने हाज़िरी का एहसास है लेकिन नमाज में शिद्दत नहीं है, रोज़े में शिद्दत है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नमाज में हाज़िरी का एहसास है वैसे रोज़े में है उस तरह से नहीं है, लेकिन इस इबादत के अंदर नमाज की तरह से वो एहसास है, रोज़े की तरह से वो शिद्दत है, ठीक है। ज़कात जैसे आप देते हैं वैसे माल को इसमें खर्च करना है, ठीक है, और जिहाद की तरह दूर जाकर अपने घर से दूर जाके जहमतें बर्दाश्त करनी है खुदा की रज़ा खुशनुदी के लिए, तो ये जो है एक जामे इबादत इस माना में इसको कहा गया है कि इसमें तमाम इबादतों का जो रंग है वो इसमें मौजूद है, और तमाम इबादतों की जो लज्जत है वो इसमें है। नमाज के अंदर आपने कोई ज़कात नहीं देनी, तब घर से निकल के कोई जिहाद की तरह से कोई जहमतें बर्दाश्त नहीं करनी, खड़े हो जाना आपने, लेकिन हज के अंदर तमाम चीज़ें जो हैं वो दीगर इबादत की जो हैं वो रूह उस हज के अंदर जो है मौजूद है। हज के जो हैं वो बेशुमार फ़ायदे हैं, इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये खुदावंद आलम की बड़ी बेहतरीन नेमत है मुसलमानों के लिए अगर उसको हम सही तरीक़े से अंजाम दें, क्योंकि दुश्मन इस्लाम समझते थे कि ये मुसलमानों की ऐसी इबादत है जिससे मुसलमान अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, लिहाजा उन्होंने जो है आले सऊद को यहाँ ला के बिठा दिया ताकि मुसलमानों की मुश्किलात और उनकी परेशानियों पे कोई गुफ्तगू ही ना हो सके, कोई बातचीत ना हो सके, मुसलमान अपने मसाइल हल ना कर सकें, इत्तेहाद इत्तेफाक उनमें ना पैदा हो सके। ये दुश्मन ने काम किया है ज़बरदस्त किस्म का ताकि मुसलमानों की ऐसी इबादत जो बेहतरीन इबादत थी उसको कैप्चर कर लिया, यानी उसके ऊपर जो है वो ऐसे लोगों को ला के बिठा दिया जिन्होंने हज की जो रूह है उसको निकाल के बाहर कर दिया। सिर्फ एक फर्जी जो रुकन है उसके हज के वो बाकी रह गए, बाकी असल रूह को उन्होंने उसमें से निकाल दिया है। जो हज के फ़वाद हैं उसमें से क्या है कि आप इंसान मुस्लिम उम्मा को जो है वो रूहानी जो है वहाँ से एक फ़ायदे तस्कीन मिलती है, इंसान की रूह को नई ताजगी मिलती है, इसी तरीके से अखलाक की उसकी जो है वो तरबियत है, उसमें उसके माशरती हवाले से उसके जो है वो
वहाँ पे तरबियत होती है। इसी तरीके से वहाँ पे एक सियासी रंग भी है उसका, कि मुख्तलिफ ममालिक से पूरी दुनिया से लोग आके जमा होते हैं एक जगह, वो आपस में अपने मसाइल को जो है एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि उनका और इज्तिमाई तौर पे अपने जो बड़े मसाइल हैं मुसलमानों के, जैसे क़िबले अव्वल की आज़ादी है, ठीक है, बड़े मसाइल को वहाँ पे जो है मुस्लिम उम्मा जो है वो अपने मसाइल को हल कर सके, अगर वहाँ पे वो इन मसाइल को लेके आए, उनके मुतालिक बातचीत करें, उनके हल के लिए जो है वो कोई तदबीर निकाले, तब जाके। मुसलमानों की एक बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी वहाँ इस तरीके से हो सकती है कि आप उसको कॉन्फ्रेंस बुलाएं, लोगों को सब वहाँ जमा करें, होते ही हैं जमा नॉर्मली सारे, तकरीबन कोई 20 लाख से ज़्यादा मुसलमान जो हैं मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ रंग, कौम, ज़बान, सब आएँ बातचीत करें, मुसलमानों के जो बड़े मसाइल हैं उनकी तरफ देखें, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा क्या है कि उम्मत मुस्लिमा में आपस में जब आप जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, अपने मसाइल बताएंगे कि मुसलमान ममालिक में या गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमानों के लिए क्या मुश्किलात और परेशानियाँ हैं, तो इससे क्या है इत्तेहाद एक पैदा होगी, एक इत्तेफाक वहाँ पैदा होगा, दोस्ती बढ़ाने का जो आपको नए मुसलमानों से अपने भाइयों के साथ एक नए रवाबित और ताल्लुकात बढ़ाने का एक बड़ा ज़बरदस्त ज़रिया है, और साथ साथ जो है वो एक दूसरे की तरबियत भी, मतलब आप देखेंगे कि दूसरे मुसलमान कैसे अमल अंजाम दे रहे हैं, अगर वाक़ता हज की रूह आ बाकी है तो, और आप भी उसको अपनाएंगे तो आपकी भी उसमें जो है तरबियत होगी, और आपसे दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरीके से मुआशरा जो है मुसलमान जब यहाँ से उठ के वापसी अपने मुआशरों में जाएंगे तो फिर हकीकी मुस्लिम मुआशरा जो है वजूद में आ सकता है। इसी तरीके से मुस्लिम उम्मा के मसलों को हल करने की जो है वो हज जो है वो ताकत रखता है, अगर वो हल करना चाहें, जैसे मैंने आपके सामने बयान किया, अगर हल ही ना करना चाहें और एक फ़र्ज, मतलब जैसे नमाज है, इंसान नमाज के अंदर से उसकी रूह निकल जाए और सिर्फ वो अरकान बजा लाते रहे, उठक बैठक करते रहे, इसी तरीके से हज भी रह गया है, लेकिन अगर उसको रूह के साथ अगर उसको अंजाम दें हकीकी मायनों के अंदर, तो फिर क्या है कि मुसलमान के जो मुसलमान मुस्लिम उम्मा के जो मसाइल हैं, पूरी उम्मा के मसाइल हैं, उसको आप हल कर सकते हैं, उसमें इतनी ताकत है, इतनी तवानाई है। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों का वहाँ पे शरीक होना जो है ये दुश्मनों के दिलों में जो है बहुत रोब और दबदबा डाल देता है, कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होगा, कहीं इनमें इत्तेहाद इत्तेफाक ना हो जाए, कहीं ये लोग अपने मसलों के मुतालिक, अपनी परेशानियों के मुतालिक ये गुफ्तगू ना करने लगें कि इनका सबब कौन है। इसलिए जो है ये हज जो है बड़ी ज़बरदस्त खुदाबंद आलम की तरफ से नेमत है, वाकई बड़ी नेमत है जिसको मुसलमान ज़ाया कर रहे हैं। तो क्या है मुशरिकीन और कुफार के दरमियान जो है दिलों में इसका रोब और दबदबा है, अगर वाकई सही मायनों में है, और मुसलमानों को नज़म ज़ब्त, मतलब एक साथ हज अदा करना, एक साथ जो है मना में जाना, रमी जमरात है या दूसरे अराकीन में जो है सफ़ा व मरवा में जाना, एक साथ एक नज़म ज़ब्त के साथ अगर ये हज हो, तो ये जो है बहुत खौफ पैदा करता है दुश्मनों के दिलों में, कि अब पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या डिस्कस होगा, क्या बात होगी, मुसलमानों में कहीं इत्तेहाद इत्तेफाक तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये लोग दुश्मनों के जो हकीकी दुश्मन हैं उनका चेहरा तो बेनकाब नहीं कर देंगे यहाँ लाके, और मुसलमानों को हकीकत बयान ना कर दें, कहीं इनमें इत्तेहाद ना हो जाए इस तरीके से। इसी तरीके से जो तागूती और ज़ालिम ताकतों हैं उनसे बेजारी का इजहार ना कर दें, ये हज का बड़ा एक अहम रुकन है, इसकी एक पूरी एक तारीख है, मतलब जो सूरह बरात नाजिल हुई थी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भेजा था कि जाओ आज के दिन हज के मौके पे, आज के दिन जाके कुफार से जाके इजहार बेजारी कर दो और उनसे कह दो कि हम तुमसे बेजार हैं, कोई तुमसे हमारा ताल्लुक नहीं, हम अपनी मुश्किलात खुद हल करें, हम जानते हैं तुम हमारे पास से यहाँ से निकल जाओ, बाहर हो जाओ। तो ये जो हकीकी बेजारी है हकीकी दुश्मनों से आज के तागूती या ज़ालिम कुव्वतों के मुकाबले पे ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हज के दिनों में नहीं हो रहा है वहाँ पर, इसको होना चाहिए, जो कि सुन्नत रसूल है और साबित है तमाम मुसलमानों के नज़दीक। इसी तरीके से हज में जो है वो आप जन्नतुल बकी जाते हैं, जहाँ पे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हमारे आइमा अलैहिस्सलाम के जो हैं वो कब्र भी मौजूद है, जिसमें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की है, इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की, मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की, जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की जो है इसमें कब्र हैं। इसके अलावा जो है उम्मातुल मोमिनीन की यहाँ पे कब्रें हैं, शहदा इस्लाम यहाँ पे मौजूद हैं,
और साहबा कराम की खबरें भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो आप जो हैं वो तकरीबन 1926 जो सन 1926 में जो आले सऊद ने जो है वो जो है आइम्मा अलैहिस्सलाम के मकबरे पर रोज़े तामीर थे बाकायदा तौर पे, उनको गिरा दिया बदबख्तों ने और उनको शहीद किया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ आप इस्लामी तारीख़ का वहाँ मुताला करने का बेहतरीन मौका है। मस्जिद ऐसे क़िबलातैन है, वहाँ जाएँ आप, उसकी एक तारीख़ है, वहाँ जाके इंसान जो है वो इस्लामी रूह, इस्लामी जो हिस्ट्री है उससे बहुत अच्छी तरह रोशनास हो सकता है, अगर उसको सही मायनों में इंसान जो है हज अदा करे और उनको समझ के जो है वहाँ तमाम मकाम, जैसे बदर का मुकाम है, इसी तरीके से अहद का मुकाम है, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मकाम हैं, वहाँ जाएँ, उनको देखें, देखें इस्लामिक हिस्ट्री को, जो इस्लामिक आसार हैं उनको जाके वहाँ मुताला करें इंसान, तो इंसान के रूह को एक ताज़गी मिलती है इस तरीके से। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर हज पे कोई जाना चाहता है मुसलमान, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो इस्तेताअत होनी चाहिए उसके पास। तो इस इस्तेताअत से क्या मुराद है कि इंसान के पास जो है वो इतने वाफ़र मकदार में जो है वो पैसा होना चाहिए उसके पास कि वो जो है वो अपने घर वालों की किफ़ालत के साथ साथ जो है हज के जो अखराजात हैं वो पूरा कर सके आसानी के साथ, और दूसरे कि उसकी सेहत भी जो है वो मनासिक हज जो है अदा करने के काबिल हों। ऐसा ना हज अदा ही नहीं कर सकता, सेहत इतना ज़यीफ़ है, कमज़ोर है, बीमारी में मुबतला है या बुज़ुर्ग हो चुका है इस, तो हज अदा नहीं कर सकता, और दूसरे के हज आने जाने में भी कोई रुकावट ना हो। जैसे बाज़ दफ़ा हुआ है कि आले सऊद ने जो है जैसे ईरान पे पाबंदी लगाई थी एक साल, जो है वो इमाम खानी ने भी एहतजाजन जो हज पे नहीं गए थे, तो आने जाने में भी अगर आपके लिए रुकावट है तो भी ज़ाहिर सी बात है हज अदा नहीं किया जा सकता। तो ये अगर तमाम शराइत मौजूद हों तो फिर आप जो हैं वो हज की इस्तेताअत रखते हैं, और जो हज की इस्तेताअत रखता है उसको चाहिए कि हज अदा करे क्योंकि वो वाजिब हो चुका है उस पर। मनासिक हज यानी जो चीज़ें हज में अंजाम दी जाती हैं इनकी तादाद तकरीबन 13 है, ये वो चीज़ें जो हज में हमने अंजाम देनी है हतमन वहाँ जाके। सबसे पहली क्या चीज़ है इसमें, अहराम बांधना, यानी ये एक सफ़ेद जो है वो लिबास है जो इंसान अपने जो है वो एक ख़ास तरीके का लिबास है जो इंसान पहनता है, और तमाम मुसलमान इस एक ही लिबास के अंदर होते हैं, किसी दूसरे लिबास में नहीं होते। इसके पहनने का देखने वाले के लिए क्या नतीजा होता है कि ये ना रंग रही, ना ज़बान रही, ना कौम और मसलक कुछ रहा, सिर्फ मुसलमान हो गया खुदा की बारगाह में और उसके जो है घर में इंसान हाजिर है और एक उम्मत नज़र आता है। इस तरीके से दूसरा जो है वो है वकूफ़ आराफात, यानी नौ ज़िलहिज्जा को जो है ज़ोहर से लेके गरूब आफ्ताब तक जो है वो आराफात में क़याम करना, और अराफात में जो है वो आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह से तौबा इस्तग़फ़ार का है, और इस मैदान हशर को इसमें याद करना है, उसकी तैयारी करनी है, मैदान हशर के लिए इंसान को तैयार होना, खुदा से मग़फ़रत तलब करनी है। हदीस में भी है, बाज़ जगह में मिलता है कि जो शख्स जो है वो रूह के साथ, उसकी हकीकी रूह के साथ हज को अदा करे तो वो बिल्कुल गुनाहों से ऐसे खुदावंद आलम उसको पाक कर देता है जैसे कोई बच्चा जो है वो माँ के बदन से है, मतलब उस पर कोई गुनाह ही नहीं होता, मासूम होता है। तीसरा जो है वो वकूफ़ मशअरुल हराम है, यानी शब अब नौ को हमने जो है वो अराफात में जो है गुजारा था, उसके बाद जो 10 ज़िलहिज्जा है से रोज़ ईद के तुलुए आफ्ताब तक जो है मशअरुल हराम में क़याम है, यानी मशअरुल हराम जो है वो मुज़दलिफ़ा का ही कहते हैं। चौथा जो है रमी जमारात है, जिस मुकाम पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की थी वहाँ अलामती तौर पे जो है वो शैतान है उसको जो है वो कंकरी मारना है। इस तरह ये जो फ़लसफ़ा है कंकरी मारने का, ये शैतान को ये अपने अंदर के शैतान से लेके आलमी शैतान ये ताबूत है उस तक जो है उसके मुकाबले पर इजहार बेजारी करना, उससे जो है उससे इजहार नफ़रत करना जो है और उसके मुकाबले के लिए जो है वो इजहार करना है कि हम तो उससे जो है मुकाबले के लिए तैयार हैं अपने अंदर से लेके आलमी तक, ये जो है वहाँ पे रमी जमरात है, कंकरियाँ मारी जाती हैं। उसके बाद पांचवा जो है वो कुर्बानी है,
आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की याद में जो है मना के मुकाम पर ऊँट गाय या गोसफन जो भी है आपके पास उसकी कुर्बानी करना, इस तरह के खुदा की राह में हर किस्म की कुर्बानी देने का अहद करना, हत्ता कि अपने खून से लेके अपने बच्चों रिश्तेदारों के खून तक को बहा देना है खुदा की राह में कुर्बान करने का अज़्म जो है वो क्या है, कुर्बानी है। इसके बाद हम पाँचवा यानी कुर्बानी के बाद जो है वो छठा है हल्के तकसीर जो है, यानी कुर्बानी के बाद जो है इंसान ने क्या करना है, अपने सर को मुंडवाना है और अपने हाथ और अपने जो पाँव के जो नाखून हैं उनको तराशना। उससे पहले जो है हाथ नाखून को आपने नहीं तराशवाते बल्कि वो कुर्बानी के बाद फिर आप ये करते हैं। सातवां जो है तवाफ़ काबा है, यानी खाने काबा के साथ चक्कर लगाना इस अज़म के साथ कि हम मुसलमानों का मरकज़ असल जो है वो क्या है, वो तागुत नहीं है, खुदावंद आलम है, वो ऐसी ताकत जो कि तमाम ताकतों का मरकज़ है, असल में हमारा जो क़िबला है वो एक है जिसमें ना कोई रंग है ना नस्ल है ना कोई ज़बान है, और उसके गिर्द जो है चक्कर लगाना है। फिर आठवां जो है वो जब आप ये कर लेंगे तवाफ़ कर लेंगे, तवाफ़ के बाद जो है आप तवाफ़ की दो रकत नमाज़ पढ़ेंगे, इसे नमाज तवाफ़ कहते हैं। फिर सही करना है, सही जो है वो हज़रत हाजरा और इस्माइल के लिए, हज़रत हाजरा ने जैसे जैसे सफ़ा मरवा के दरमियान सात चक्कर जो लगाए थे, इस तरीके से इंसान को भी वहाँ चलना या दौड़ना है। सही करने के बाद दसवां जो है वो तवाफ़ुन निसा है, ये तवाफ़ुन निसा की नियत से खाने काबा का तवाफ़ करना, और फिर जो तवाफ़ुन निसा किया है फिर उसकी दो रकत जैसे सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं इसी तरीके से दो रकत नमाज है। फिर मना में क़याम करना है, 11 और 12 ज़िलहिज्जा की शब मना में क़याम करना, ठीक है। फिर रमी जमरात है, जिन रातों में मीना में गुजारना वाजिब है इन दिनों में रोज़ाना तीनों शैतानों को साथ साथ गंगरियाँ भी मारना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था वो आज का था। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।